वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आपका जीके वर्ल्ड में। ये वीडियो बना हुआ है आज जो 23 तारीख को एग्ज़ाम हुआ था उसके पहली और दूसरी शिफ्ट के एनालिसिस पे। जो इससे फ़ायदा ये होगा कि जो आगे एग्ज़ाम होने वाले हैं इस एनालिसिस के बेसिस पे आप आगे की तैयारी, आगे मेंटली रूप से उसी हिसाब से तैयार होकर जाएंगे पेपर देने के लिए, ताकि वहाँ पर जाके आपको अजीब ना लगे, घबराहट ना महसूस हो और वहाँ पर जाके आप कोई गलती ना करते हैं एग्ज़ाम टाइम में, क्योंकि आपने अच्छे से मेहनत करी है तो उसका रिजल्ट तभी मिल पाएगा जब एग्ज़ाम टाइम में आप अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे। तो एग्ज़ाम में अच्छे से परफॉर्म करने के लिए आपको मेंटली रूप से प्रिपेयर होकर जाना होता है। आपको देखना होता है कि किस टॉपिक पे क्वेश्चन पूछा गया है, कितने कितना हार्ड और कितना जो है आसान क्वेश्चन पूछा गया है, उस हिसाब से आप मेंटली रूप से तैयार होकर जाएंगे तो उस हिसाब पैटर्न जो है पेपर आपके सामने आएगा, तो आपको बिल्कुल भी घबराहट नहीं होगी, आप बिल्कुल गलतियाँ नहीं करेंगे। यही सबसे मेन इम्पॉर्टेंट होता है दोस्तों, कि आप जो है एग्ज़ाम हॉल पे कैसा परफॉर्म करते हैं। एग्ज़ाम हॉल ही आपका जो है पूरा जो जितनी मेहनत है साल भर की आपकी, उसका जो परिणाम होता है वो उसी पे निर्भर होता है कि आप एग्ज़ाम हॉल में कितने मानसिक रूप से उपस्थित हैं और कितने अच्छे तरीके से जो है एग्ज़ाम के प्रेशर को हैंडल कर पाते हैं। तो देखते हैं एनालिसिस जो है कि 23 अगस्त को पहली और दूसरी शिफ्ट में पेपर कैसा आया हुआ था। हम लोग जो एनालिसिस करने वाले हैं वो यहाँ पे हिंदी और जीके जीएस की करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हिंदी की। देखो हिंदी में जो क्वेश्चन पूछे गए थे पहली फिफ्थ में, तो उसमें से जैसे होता है कि 5 क्वेश्चन जो है अपठित गद्यांश पे हो गया। दूसरी फिफ्थ में पूछा गया था 5 क्वेश्चन जो आए थे वो खूब लड़ो खूब लड़ी मत दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, सुभद्रा कुमारी चौहान की जो रचना है उस पे आधारित थे। तो बहुत आसान से क्वेश्चन आए हुए थे, तो आप वो गद्यांश पढ़ के आराम से निकल पाएंगे। फिर उसके बाद क्वेश्चन आया हुआ था जैसे कि जो चिन्ह के बारे में हम लोग बात करते हैं कि विराम चिन्ह कौन सा होता है, पूर्ण विराम हो गया, आदि विराम हो गया, विस्मयाद बोधक हो गया। तो पहली शिफ्ट में विस्मयाद बोधक पे क्वेश्चन आया हुआ था, तो ये आपको कराया गया है, बिल्कुल बिल्कुल सेम वैसे ही पूछ लिया गया आपको जैसे कराया गया हुआ है। फिर एक हो गया, एक क्वेश्चन आया था कि वाक्य कौन सा वाक्य गलत है, तो उसको वाक्य को जब पढ़ेंगे तो उसमें जो व्याकरणिक अशुद्धि होगी वो हम लोग निकाल लेंगे और उस हिसाब से टिक कर देंगे। युग्म पूछा गया था, जो बात करी थी हम लोगों ने क्वेश्चन प्रैक्टिस करी थी उसमें युग्म की करी थी कि कौन सा युग्म सही है, कौन सा किसका सही विलोम है, तो वही युग बारहवीं पेपर में आया हुआ है। और उसके अलावा क्या है, उसके अलावा मुहावरे और लोकोक्तियाँ बहुत आसान थी। आग लगने पे कुआं खोदना, इतना आसान मुहावरा आया हुआ था, तुरंत आप टिक कर लेंगे, इसमें समय ही नहीं लगने वाला। फिर उसका संधि विच्छेद आया था, वयोवृद्ध वाला संधि विच्छेद, जिसे सरलता से पढ़ा जा सके, ये वाक्यांश, तो ये बहुत आसान आया हुआ था वाक्यांश, जो वाक्यांश भी आया आसान, और जो है संधि संधि विच्छेद पूछा गया, समास जो है समास में पूछा गया समास का शाब्दिक अर्थ क्या है, समास मतलब संक्षिप्त, तो ये बहुत आसान आसान से क्वेश्चन जो है इसमें पूछे गए थे। उसके अलावा जैसे हो गया कि रचना पूछी गई थी कि प्रेम सागर की रचना है लल्लू लाल की, तो ये रचना पूछी गई थी। इसके अलावा पूछा गया था कि क्या भूलू का याद करो अर्जुन राय बच्चन की आत्मकथा श्रृंखला का कौन सा भाग है, तो ये जो है क्या बोलूँ क्या याद करो, इसमें आपको थोड़ा टफ हो सकता है। तो वही इसमें जो है लगभग लगभग 30 क्वेश्चन के ऊपर आप आसानी से अटेम्प्ट कर लेंगे हिंदी में, बिल्कुल आसानी से। उसके बाद जो 5 क्वेश्चन बचेंगे वो आपके 50% वाले बचेंगे, कि आपको डाउट होगा कि शायद ये, तो ये जो 50 वाले हैं ये आप अभी वेट करेंगे, शुरुआत में इनमें टिक नहीं करेंगे, इनके गोले नहीं भरेंगे। उसके बाद जो है ये आप लास्ट में भरेंगे, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है। अगर आपके टोटल जो है अटेम्प्ट क्वेश्चन जिनमें आपको 100% कॉन्फिडेंस है वो 100 के ऊपर पहुंच जाते हैं, तो आप ये 50% वाले अटेम्प्ट फिर नहीं करेंगे, ठीक है। यही हम लोगों को ध्यान रखना होता है कि क्योंकि कट ऑफ जो जाएगा वो 100 के आसपास ही रहेगा। अगर आपके अटेम्प्ट जो है 80-90 पे रुक जाते हैं तो फिर आपको जो है 50% वाले अटेम्प्ट करने ही पड़ेंगे, अदरवाइज आपके चांसेस ख़त्म हो जाएंगे। तो अपने चांसेस मेंटेन करने के लिए ये काम करना पड़ेगा। फिर आगे बात कर लेते हैं जीके की। देखो जीएस और जीके का इस बार का जो पेपर है वो थोड़ा
अलग आया हुआ था, थोड़ा अलग आया हुआ था, थोड़ा हट के आया हुआ था। इस बार किया क्या था, इस बार जो क्वेश्चन पूछे गए, करंट अफेयर तो जून तक पूछ लिया गया था, जून 2024, मंत्रालय गृह मंत्रालय जैसे, तो वो अमित शाह के पास, तो जो मंत्री अभी जो जिन्होंने शपथ ली है चुनाव के बाद, तो चुनाव के बाद जिन्होंने शपथ ली है वो इम्पोर्टेंट है। उसके अलावा देखो पूछा गया था, जो करंट अफेयर पूछ लिया गया था, तो करंट अफेयर जून तक पूछा गया, दिवस पूछा गया कि डाक दिवस कब मनाया जाता है, तो डाक दिवस क्योंकि दिवस का एक क्वेश्चन तो पेट होता है कि डाक दिवस कब मनाया जाता है, ये पूछा गया था, इस बार आया हुआ था। उसके अलावा पूछा गया कि जर्मनी और फ्रांस के बीच की जो सीमा रेखा है, सीमा रेखाएं पूछी गई, ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन था कि सीमा रेखा का नाम क्या था, लेकिन यहाँ पे ट्रिक थी, इसमें सीमा रेखा का जो नाम है तो वो वहाँ पे मेंशन नहीं था, जो फेमस नाम है उस फेमस नाम की जगह दूसरा नाम उसको यूज़ किया गया था, तो इस तरीके के क्वेश्चन जो है वो टफ बन जाते हैं, तो इनको अटेम्प्ट करने से बचना है। इस तरह के क्वेश्चन आपको नहीं आते हैं, अगर आपको आते हैं तो वेल एंड गुड है, लेकिन अगर आपको नहीं आते हैं तो इनसे बचना है, ये आपको अटेम्प्ट नहीं करना है। आपको जीएस और जीके में अटेम्प्ट करना है 20 के आसपास क्वेश्चन, क्योंकि उससे ज़्यादा अटेम्प्ट करने में पेपर ऐसा आ रहा है कि वो आपके गलत होने के चांसेस बढ़ जा रहे हैं। अगर आपको बिल्कुल 100% कॉन्फिडेंस है कि नहीं इसका आंसर तो यही होगा, जैसे बहुत आसान सा क्वेश्चन पूछ लिया कि नोएडा जो है वो कौन से ज़िले में है, तो नोएडा गौतम बुद्ध नगर में है, ठीक है, तो ये बिल्कुल आसान है, इसमें आप करने में बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी, आपने तुरंत किया और तुरंत जो है टिक कर दिया। लेकिन उस अगर वही टफ क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाए कि 1984 वाला वर्ष किस के नाम से मनाया गया, तो वो युवा के नाम से था, अब यहाँ पे तो दिक्कत हो जाती है कि आपको इतना अधिक नहीं पता होगा, आपने इतनी तैयारी नहीं कर रखी अगर, तो फिर इसको आपको नहीं टच करना है, इसको बिल्कुल छूना भी नहीं कि नहीं लाओ इसको अटेम्प्ट कर लेते हैं शायद सही हो जाए, नहीं, निगेटिव मार्किंग है, आपके नंबर कम कर देगी तुरंत। आपको ये देखना है कि आपने जो है 100+ क्वेश्चन जो है कंप्लीट करने हैं, उससे नीचे हैं तो आप 50% वाले में रिस्क ले सकते हैं, आप 100% वाले में डाउट है जिसमें उसको तो छू भी नहीं सकते, उसको अगर छुएंगे तो फिर जो है आप अपने लिए ही गड्ढा खोद रहे हैं। उसके बाद जो मैथ और रीजनिंग का पोर्शन है, उसमें रीजनिंग का पोर्शन जो है वो थोड़ा फिर भी आसान आया हुआ था, मैथ में जो है 5 क्वेश्चन ऐसे थे जो थोड़ा मॉडरेट थे, मतलब यूपी पुलिस के लेवल के हिसाब से थोड़ा अप थे, उनमें ज़्यादा समय भी लग रहा था तो वो थोड़ा अप थे। तो हमें करना क्या है, जो स्ट्रेटजी हमें फॉलो करनी है वो स्ट्रेटजी ये फॉलो करनी है कि सबसे पहले अटेम्प्ट करना है हिंदी, हिंदी हिंदी में जो है वो अटेम्प्ट करने हैं 30+, अगर 35 हो जाते हैं तो वेल एंड गुड, जो तैयारी कर रहे हैं पहले से जिन तो उनके 35 तक आराम से पहुंच जाएंगे, इसमें बहुत ज़्यादा डाउट नहीं है। देखो रचनाएं साहित्यिक पूछ ली गई कुछ अलग डीप तरीके से, तो आप उसमें जो है आपको डाउट हो सकता है, तो वो आपके एक दो क्वेश्चन जुड़ सकते हैं। बाकी जो अपठित तृतीयांश है, जो व्याकरण है, वो बहुत आसान पूछा जा रहा है, वो आप बिल्कुल टिक कर लेंगे आसानी से। उसके अलावा जो है जीके और जीएस, ये मॉडरेट आ रहा है, ये इसमें आप ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है, तो इसको 20+ तक ही रोकते हैं, ज़्यादा इसमें चांसेस नहीं, ज़्यादा अगर चांसेस हो जाएंगे तो रिस्क आपका और ज़्यादा बढ़ जाएगा, आप ज़्यादा अटेम्प्ट कर लेंगे, तो 20 के आसपास इसमें क्वेश्चन मान लेते हैं। उसके बाद मैथ और रीजनिंग, मैथ और प्लस रीजनिंग का जो है आपको टोटल 50 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने ही करने हैं जो आपके सही हो। रीजनिंग में आप जो है ज़्यादा कर सकते हैं, रीजनिंग थोड़ा सिंपल आ रही थी, तो आपके जैसे ही हो जाता है कि 100+ आपके क्वेश्चन हो जा रहे हैं तो आप जो है सिलेक्शन के उतने ही नज़दीक हो जा रहे हैं, आप आगे तैयारी अच्छे से करिए बिल्कुल। आप जो है जो आपने एग्ज़ाम दिया उसको आप वैसे ही फोल्ड करके रख दीजिए, आप तैयारी करिए आगे की कि हमें दौड़ में कैसे पार्टिसिपेट करना है, आगे कैसे परफॉर्म करना है। आपने यहाँ तक बहुत अच्छे से परफॉर्म किया, अब आगे की परफॉर्मेंस आपको देखनी है। फिर जो है अगर आपके अटेम्प्ट जो है 80 से लेकर 90 तक रह जा रहे हैं, तब फिर आपको जो 50% डाउट वाले क्वेश्चन हैं 50% वाले, तब फिर आपको उनमें से अटेम्प्ट करने पड़ेंगे,
क्योंकि 100 से नीचे में बहुत ज़्यादा कम चांसेस हैं कि आप जो है अगले लेवल के लिए क्वालिफाई कर पाए। तो 50% वाले क्वेश्चन तब फिर अटेम्प्ट करिएगा। और इसमें फ़ायदा 50% में ये हो जाता है कि अगर आपके मान लो दो क्वेश्चन गलत हुए और दो सही हुए, तब भी जो है आप प्लस में ही रहेंगे, ठीक है, तो आपके नंबर कुछ बढ़ेंगे ही। तो यही होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा 50% वाले अटेम्प्ट कर सकते हैं। जो क्वेश्चनों में 100% डाउट है तो वो बिल्कुल ही अटेम्प्ट नहीं करना है कि ये हमने सुना ही नहीं, ये होता क्या है, तो वो अटेम्प्ट मत कर लीजिएगा उसको। क्योंकि जीके और जीएस जो है वो आपको लालच देती है इस तरीके का, वहाँ पे आपको सावधानी बरतनी है कि नहीं, हमें जो है 20+ अगर आपके हमारे क्वेश्चन हैं तो वो सफिशियंट है। उससे ज़्यादा क्वेश्चन में डाउट वाले अगर आप अटेम्प्ट करेंगे तो चांसेस हैं कि आपके गलत हो जाए। जीके जीएस थोड़ा इस बार अलग पैटर्न आया हुआ है, थोड़ा टफ आया हुआ है, तो आपको तैयारी उसी हिसाब से करनी है, उसी हिसाब से मेंटली प्रिपेयर होके जाना है। पहला जो सिर्फ आया था उसका जीके जीएस दे के बच्चे घबरा बहुत ज़्यादा गए थे, तो उससे क्या होता है, चांसेस हो जाते हैं कि वो अपने जो आते हुए क्वेश्चन हों वो भी गलत कर दें। एग्जाम टाइम में जो प्रेशर होता है उसको जो है बहुत अच्छे तरीके से मैनिपुलेट करना होता है, बहुत अच्छे तरीके से हैंडल करना होता है, और उनमें घबराना नहीं होता है। घबराहट में जो आया हुआ जो आता होता है वो भी जो है दिमाग सोचना बंद कर देता है, और वो प्रेशर आपको एग्ज़ाम में ही, एग्ज़ाम हॉल में ही पता चलेगा उसका प्रेशर कितना होता है। और वही हैंडल करके आप उसको अगर सब पास कर जाते हैं तब फिर आपके सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता है। देखिए 100+ क्वेश्चन जो है आप आसानी से कर सकते हैं, आप बिल्कुल लगे हुए हैं तैयारी में, आपने साल भर तैयारी करी बहुत अच्छे से, आपको बस परफॉर्म करना है, आप कर सकते हैं। आप घबराइए मत बिल्कुल भी कि नहीं जीके में क्या क्या पूछे हैं, जीएस में क्या क्या पूछे हैं, अभी कुछ नया मत पकड़िए। अभी आपको जो आता है उसी को बार बार रिवाइज करिए, घबराइए मत, प्रैक्टिस करिए और जाके एग्ज़ाम में बहुत अच्छे से दीजिए, आप 100+ आसानी से अटेम्प्ट कर लेंगे क्योंकि आपने साल भर मेहनत करी है। अगली तारीख में होने वाले एग्जाम के लिए सभी को बेस्ट ऑफ लक, जम के तैयारी करिए।